अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साइफर केस, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, पीपल्स पार्टी और MQM इंतखाबी सर्वे में ज़ीरो हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। हाफिज़ नईम ने कहा कि ये जमातें 35 साल से मुसलत हैं, इनको आवाम मुस्तरद कर दें। मच्छ में BLA के हमले नाकाम, तमाम 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से रेलवे पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद चाबहक और 13 जख्मी हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिराजुल हक का इमरान खान, शाह महमूद की सज़ा पर शदीद अफसोस का इजहार। सिराजुल हक का कहना था कि मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। हम साइफर केस पर आज़ाद गैर जानबदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। 1 फरवरी से पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवक्के। निगरान हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर से POL की कीमतों की अपनी आखिरी एडजस्टमेंट में पेट्रोल की कीमतों में 7.85 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2.06 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स का ट्रूडो से मुलाकात से इनकार। NCCM का कहना है कि ट्रूडो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे। लिबरल्स की जानिब से गजा के मौके पर मुलाकात मनसूख की गई। कनाडा की जानिब से तुर्किया पर आयद असलहा पाबंदी ख़त्म कर दी गई। असलहा समेत दीगर ज़रूरी दिफाई मसनूआत बरामद की जाएंगी। आज़रबाईजान की हिमायत पर कनाडा को असलहे की फरोख पर पाबंदी आयद की गई थी। ईरान का अमेरिका में कैनेडियंस की खिदमत हासिल करने का इंकशाफ। कैनेडियन शहरी ईरानी इंटेलिजेंस की हिदायत पर काम करते थे। अमरीकी अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फौजियों पर हमले का जवाब मुंतखब वक्त पर अपने तरीके से देंगे, अमरीका की ईरान को धमकी। जॉन कर्बी ने कहा कि सदर जो बाइडन मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इजरायली फोर्सेस की खूनरेज कार्रवाइयां जारी, मजीद 215 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने शुमाली गजा में अक्वामे मुत्तहदा की इमदादी एजेंसी के पनाह गुजीन स्कूल का मुहासरा कर लिया, जबकि सहयूनी फौज ने बमबारी में नूर शम्स कैंप में बिजली और पानी की लाइनों को तबाह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं है, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जरह कर लेते हैं, जिस पर जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। बाद अज़ां बानी PTI का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्ल्यू नहीं मिला। अदालत ने बानी PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समाअत के बाद
केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबू अलहसनात ने केस का मुख्तसर जबानी फैसला सुनाया। वाज़े रहे कि इससे कबल बानी पीटीआई ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM इंतखाबी सर्वे में जीरो हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जमातें 35 साल से मुसल्लत हैं, इनको आवाम मुस्तरद कर दें। इन पार्टियों ने पहले भी लाशों पर सियासत की, अवामी सतह पर ये लोग नाकाम हो चुके हैं। ये चाहते हैं लोग वोट देने ना जाएं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया, औरंगी टाउन में भी मुकम्मल कामयाबी हासिल की। वडेरा सोच कल भी वही थी, आज भी वही है। सिंध के लोग उनके खिलाफ निकले, वोटिंग की शरह कम कराने की साजिश हो रही है, ये चाहते हैं लोग वोट ना देने जाएं। उन्होंने कहा कि कराची के तुलबा को जालसाजी के जरिए फेल किया गया। 11वीं जमात के 70% तुलबा फेल हुए हैं। हमने निगरा वजीर आला को आगाह कर दिया है। हमारे पास हजारों तुलबा का मैट्रिक का रिकॉर्ड मौजूद है जो हम पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि वजीर तालीम का बयान है कि इतनी बड़ी तादाद में तुलबा का फेल होना इंसानी गलती है। MDKET में 80-90% लोगों को महरूम कर दिया। फेल होने वालों में अक्सर तलबा का मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट था। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में मच्छ जेल समेत 3 मकामात पर कलदम तंजीम BLA ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बोलान के इलाके मच्छ में पहाड़ों से कलदम तंजीम के शिद्दत पसंदों ने मुतादिद रॉकेट फायर किए, जिसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। बोलान के कम अज़ कम 3 मकामात पर हमला किया गया, जिसमें मच्छ जेल, रेलवे स्टेशन और डीवीज थाना शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने बताया था कि धमाकों और फायरिंग से शहरी खौफ का शिकार हो गए, जबकि इलाके की बिजली भी अचानक बंद हो गई थी। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक एक हमला मच्छ जेल पर भी किया गया। BLA के दहशतगर्दों की फायर रेड की कोशिश को फोर्सेस ने पसपा कर दिया। फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तला मिल गई थी, जिसके बाद अहलकारों ने दहशतगर्दों के लिए घात लगा रखी थी। इत्तला है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब के नतीजे में बौखला कर पसपा हो गए और तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए, जिसकी बलूचिस्तान हुकूमत ने तस्दीक की है। तीनों वाक़ात में मजमूई तौर पर 13 शहरी जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने एक हमला रेलवे स्टेशन पर भी किया, जहाँ रॉकेट हमले में रेलवे पुलिस समेत 2 अफराद जख्मी हुए। बाद हज़ार रेलवे पुलिस का अहलकार शहीद हो गया। अपने ट्वीट में निगरान वजीर इत्तला जाना चकसई ने कहा कि बोलान के इलाके मच्छ ऑपरेशन में तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए। इन रॉ ऑपरेटेड दहशतगर्दों को मारने के बाद अब मच्छ में हतमी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और इलाके में सूरत हाल काबू में है। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के बावजूद उनका नापाक मनसूबा नाकाम हो गया। कबल अजी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जानिब से मच्छ में एक दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाने के लिए फौरी इकदाम को सराहते हैं। हमारे शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हमारी मुसल्ह अफवाज की जानिब से लोगों की जानों के तहफ़ के लिए जिस जुर्रत का मुजाहरा किया गया वो काबिल तारीफ है। निगरान वजीर आला अली मर्दान डोमकी ने भी मच्छ और गिरदोनवाह में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान को बहाली अमन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की है। तमाम सिक्योरिटी इदारे बहम राबताकारी से आवाम के जानी तहफ़ और अमन की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुकामी आबादी को नुकसान से बचाने के लिए मोहतात अंदाज में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा पर बेहद अफसोस है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा पर बेहद अफसोस है। सराजुल हक का कहना था कि मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी, ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। हम साइफर केस पर आज़ाद गैर जानबदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। मुल्की मामलात में अमरीकी मदाखलत 76 बरसों से जारी है। पहली बार हुआ है अमरीकी मदाखलत हमारे सरकारी हलकों में जेर बहस आई। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि PTI लीडरान को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। फैसले आइन
قواعد و ضوابط کے مطابق ہونے چاہیے ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10-10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ حکومت 1 اکتوبر سے پی او ایل کی قیمتوں کی اپنی آخری ایڈجسٹمنٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 7.85 روپے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 2.06 روپے فی لیٹر اضافہ کر سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نگراں حکومت 1 اکتوبر سے پی او ایل کی قیمتوں کی اپنی آخری ایڈجسٹمنٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 7.85 روپے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 2.06 روپے فی لیٹر اضافہ کر سکتی ہے۔ فروری کے مہینے کے پہلے 15 دن میں قیمتوں میں اضافہ بنیادی طور پر غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے دائمی حملے اور تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے مشرق وسطی میں کشیدگی بتائی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں نے بحری جہازوں پر حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں موٹر پیٹرول 16 جنوری 2024 سے $6 فی بیرل اور ڈیزل کی قیمت $3.07 تک پہنچ گئی، کیونکہ بین الاقوامی کمپنیوں نے موٹر اسپرٹ پر اپنے پریمیم میں اضافہ کیا ہے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔